हे गाइस, स्वागत है आपका इंट्राडे गाइड पे। मैं हूँ आपका दोस्त शिवांश बसी। तो गाइस, आज हम बात करेंगे कि निफ्टी और बैंक निफ्टी इंट्राडे में कल कैसा मूव कर सकता है, जिस तरीके से हमने देखा था फ्राइडे सेशन को। और आज इस सेशन में हमने देखा था कि मार्केट में एक फॉल आया था। हम फॉल वो नहीं कह सकते कि एक करेक्शन आया था, पर एक हम कह सकते हैं कि थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आई थी। तो गाइस, इतनी ऊपर उसने अपसाइड दिखाई थी निफ्टी बैंक निफ्टी ने, तो उसमें प्रॉफिट बुकिंग आना तो एक जरूरी था। तो गाइस, अब हम बात करेंगे कि वो प्रॉफिट बुकिंग हमें कैसे पता चला कि उस लेवल से आई है। वो मैं आपको हमेशा बताते रहता हूँ कि हमें चार्ट्स के अंदर दो चीजों को ऑब्जर्व करना होता है। दो चीजें हमें चार्ट्स के अंदर जरूरी लगानी है और देखनी है कि जिसकी वजह से हम पता लगा पाए कि ये पर्टिकुलर शेयर या पर्टिकुलर इंडेक्स ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। तो गाइस, उसमें दो चीजें हैं, ट्रेंड लाइंस और पैटर्न्स। पैटर्न्स मैं आपके साथ हर वीडियो में शेयर करता हूँ। जब भी मैं वीडियोस आपके लिए अपलोड करता हूँ, उसमें निफ्टी में मैं आपको हमेशा नए पैटर्न्स दिखाता हूँ कि आज ये पैटर्न डेवलप हुआ, आज ये पैटर्न डेवलप हुआ। अगर आप मेरी वो प्रीवियस वीडियोस देखेंगे भी, तो आप इजीली समझ पाएंगे कि मैं आपको क्या समझाना चाहता हूँ। और अगर आप खुद भी यूज करेंगे तो आपको टेक्निकल एनालिसिस सीखने में कोई दिक्कत नहीं होगी। आप इजीली सीख सकते हैं, कोई भी मार्केट में ट्रेड कर सकता है उस टेक्निकल एनालिसिस के बिहेवियर में। अगर हम बात करें कि हम उसमें पैटर्न्स को डेवलप करके ट्रेंड लाइन के बेसिस में ही सिर्फ हम ऐसे 10 शेयर बाय करते हैं, 10 पर्टिकुलर कंपनीज बाय करते हैं, तो हम गारंटी में आपको दे सकता हूं कि आप 70% करेक्ट जाएंगे और 70% आपका टारगेट जरूर हिट होगा। तो गाइस, आज भी मैं आपको सिर्फ ट्रेंड लाइंस और कुछ पैटर्न्स के बेसिस में ही आपको बताने वाला हूं कि हमें कैसे पता चला था कि हमें उस लेवल से शॉर्ट करना था। तो गाइस, इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। और इस आखिरी वीडियो में मैं आपके साथ एक अपनी ट्रेडिंग शीट भी शेयर करने वाला हूं। उस ट्रेडिंग शीट के अंदर मैंने सारे पैटर्न्स बनाए हुए हैं कि ये पर्टिकुलर कंपनी में ये पैटर्न डेवलप हुआ है, तो इसको यहां से शॉर्ट करना है, इसको यहां से बाय करना है। और जो इंट्राडे में मैं ट्रेड लेता हूँ वो भी आपके साथ मैं शेयर करने वाला हूँ। जो मैं अपने क्लाइंट्स को ट्रेड देता हूँ वो भी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। किस पैटर्न के बिहाफ में हम इंट्राडे में ऐसे ही उन्हें स्टॉक सजेस्ट नहीं करते हैं। गाइस, कोई पैटर्न डेवलप होना चाहिए और उसमें हमें पता होना चाहिए कि ये पैटर्न का जो एक था पॉइंट, एक मिड पॉइंट था, वो कंप्लीट हो चुका है। वहां से हमें एक अपनी सेलिंग अपॉर्चुनिटी इनिशिएट करनी है या बाइंग अपॉर्चुनिटी इनिशिएट करनी है। तो इस आखिरी वीडियो में मैं आपके साथ अपनी ट्रेडिंग शीट शेयर करने वाला हूँ, उसमें मैं आपको सारी चीजें दिखाऊंगा। तो गाइस, पहले हम निफ्टी के बारे में देख लेते हैं और उसके बाद एक खास चीज और है जो हमें क्रूड ऑयल के बारे में पता चल रही है, वो भी हम आपके साथ शेयर जरूर करेंगे। तो गाइस, सबसे पहले मैं एक ट्रेंड लाइन जो ड्रॉ करने वाला हूँ, मैं आपको एक बार जूम करके दिखा देता हूँ, आपको इजिली समझ आ जाएगा कि मैं आपके साथ क्या शेयर करना चाह रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं, ये मैंने निफ्टी का डेली चार्ट ओपन करके रखा हुआ है। मैं यहां से ट्रेंड लाइन बना रहा हूं, आप देख सकते हैं मैंने यहां से एक ट्रेंड लाइन बनाई है और ये ट्रेंड लाइन यहां तक बना दी है। ये एक रेजिस्टेंस, ये एक रेजिस्टेंस, ये एक रेजिस्टेंस। तो गाइस, ये मैंने ट्रेंड लाइन बना दी थी, यहां से मैंने ट्रेंड लाइन एक्सीड कर दी थी। जब स्टॉक यहां ट्रेड कर रहा था तब हमें पता था कि ये एक लॉन्ग टर्म रेजिस्टेंस है, जो मार्केट या निफ्टी इसको टेस्ट करेगा तो एक बार तो वो नीचे आएगा ही आएगा। तो गाइस, यहीं पर हमारी एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी, जो इसका हाई था वहीं हमारी एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी इनिशिएट हो गई थी। मैं अगर गाइस आपको बताना चाहूं तो मैं बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करता, मैं अपने पोर्टफोलियो या अपने स्विंग ट्रेड्स को ही इनिशिएट करता हूं। मैं इंट्राडे के अंदर कोई मुझे अच्छी मोमेंटम लगती है तो मैं ऑप्शंस के अंदर उसे ट्रेड करता हूं, या पर्टिकुलरली मैं किसी में ट्रेड नहीं करता हूं। पर मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूं, जो मैं अपने लोगों को देता हूं या मैं अपने ट्रेडिंग शीट्स में जो ऑब्जर्व करके रखता हूँ वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। हमने एक सिर्फ सिंपल सी एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी थी जो टॉप्स को मिला के आ रही थी। तो गाइज, ये मिला के हमें अपने आप पता चल गया था कि यहां से हमें एक बार तो सेल करना होगा, तो यहां से हमें जो टारगेट्स मिल सकते हैं वो हमें प्रीवियस टॉप तक तो मिल सकते हैं, जो कि था 10,900 का लेवल। तो गाइज, अगर हम यहां से शॉर्ट करते एट अराउंड 11,070 लेवल्स और हम यहां पर एक्सपेक्ट करें कि हमें 10,900 तक की मूवमेंट मिल सकती है, तो हमें अराउंड 150 प्लस पॉइंट्स तक की मूवमेंट मिल रही है निफ्टी के अंदर, वो भी तीन ट्रेडिंग सेशंस के अंदर, तो वो हमारे लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है। तो गाइज, ये ट्रेंड लाइन्स बना के भी आप अच्छे खासा ऑब्जर्व कर सकते हैं। अब मैं आपको एक पैटर्न डेवलप कर बनाने वाला हूँ। मैंने ये प्रीवियस वीडियो में आपको नहीं बताया था क्योंकि ये मुझे नहीं दिखा था, पर इस पैटर्न के बारे में अब मैं आपको बताने वाला हूँ। एक नया पैटर्न है, मैं आपके साथ एक बार शेयर कर चुका हूँ ये पैटर्न, जिसका नाम है ए बी इक्वल्स टू सी डी। ए बी इक्वल्स टू सी डी का मतलब यही होता है कि गाइज, मैं आपको ऐसे बता देता हूँ कि ये एक स्टॉक है, ये ऊपर गया, ये नीचे आया और फिर इसने एक ऊपर की तरफ मूव दे दी। तो गाइज, ये जो इसने मूव दी है, ये मूव जैसे हम एग्जाम्पल के दौर में मान लेते हैं, ये 100 रुपए की इसने अप मूव दी है, फिर एक करेक्शन आ गया। यहां से इसने जो यहां तक की मूव देगा वो भी 100 रुपए ही देगा,
और अगर हम देखेंगे कि यहां से अगर ये गिरना शुरू होता है तो हमारा पैटर्न जो कंप्लीट होता है ए बी इक्वल्स टू सी डी, मतलब ए बी लाइन इक्वल्स टू सी डी लाइन। ये 100 रुपये ऊपर गया तो ये भी 100 रुपये ऊपर गया, वहां से हमने करेक्शन आते हुए देख ली। तो गाइज वही पैटर्न बिल्कुल डेवलप हुआ है इसके अंदर। अब मैं आपको दिखाता हूँ, ये यहां से एक अपमूव आई, ये एक स्टॉक नीचे गया, यहां पर आप देख सकते हैं ये स्टॉक एक नीचे गया, यहां से फिर इसने एक अपमूव दे दी। तो गाइज ये एक हमारा बना ए बी इक्वल्स टू सी डी पैटर्न। अब मैं आपको बताता हूँ कि जो हमने ए बी इक्वल्स टू सी डी पैटर्न बनाया है वो बिल्कुल सेम बना या नहीं बना। अगर सेम 100 की जगह 95 भी होता है तो भी हम कहते हैं कि यहाँ ये एक एक्यूरेट है। तो गाइज यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको शो कर रहा होगा 10,440 का जो लेवल है, वहां पर हमने वहां से एक अपमूव शुरू हुई थी 10,040 के लेवल से ही हमारा ये आया था अराउंड, सॉरी मुझे थोड़ा नीचे बनाना चाहिए था, या 10,400 से लेके 10,900 यानी कि 500 पॉइंट्स का इसमें था। और अब हम यहां से बनाते हैं 600 से लेके 11,080 यानी 480 पॉइंट्स। तो आप देख सकते हैं यहां पर इसने 500 की मूवमेंट दी और यहां इसने 480 की मूवमेंट दी। तो हमें पता था कि यहां से एक करेक्शन तो आना बाकी है। अब आपके पास दो चीजें आपको पता चल गई, दो मैंने आपको अभी वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था, एक ट्रेंड लाइन और एक पैटर्न। अगर हमने दोनों का इनिशिएट क्रम देखा कि यहां आपने देखा होगा मैंने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी जिसका रेजिस्टेंस यहां आ रहा था और हमें बता रहा था कि एक बार तो आप सेल कर सकते हो, दूसरा ए बी इक्वल्स टू सी डी पैटर्न वो भी हमें बिल्कुल यही सजेस्ट कर रहा था कि यहां पर आप एक बार तो शॉर्ट कर सकते हो और जो हमारा टारगेट आएगा वो हमारा आएगा प्रीवियस स्टॉप का, प्रीवियस स्टॉप जो आ रहा था 10,900। और आज आप देख सकते हैं कि 10,930 925 के आसपास ही निफ्टी ने क्लोजिंग दी है। तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमारा टारगेट वहां तक रीच हो गया था या कल तक हो सकता है। तो गाइज ये कुछ पैटर्न्स और ये कुछ चीजें होती हैं, मैंने सिर्फ आपके सामने दो चीजें बनाई है और इससे हमें पता चल गया था कि ये मार्केट कहाँ तक जा सकता है और कहाँ से हमें शॉर्ट इनिशिएट करना है। ये सारी चीजें मैं आपके साथ हर दिन शेयर करूंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है, यूजफुल कंसेप्ट जो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ वो यूट्यूब में आपके साथ कोई शेयर नहीं करता होगा। अगर आपको ये लगता है कि आपके मैं अकेला हूं जो आपके साथ ये यूजफुल इन्फॉर्मेशन शेयर करता है इस पर्टिकुलर पैटर्न्स के बारे में, तो गाइज इस वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको ये मेरी वीडियोस कैसी लगती है। गाइज अब हमें देखना है कि ये जो इसने पैटर्न बनाया है, पैटर्न बनाने के बाद अब ये नीचे और जा सकता है या नहीं जा सकता। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ए बी इक्वल्स टू सी डी पैटर्न बनाए, तो ए बी इक्वल्स टू सी डी पैटर्न का जो पहला टारगेट होता है वो पहला टारगेट होता है जो इसका टॉप होता है। टॉप आप देख सकते हैं 10,900 का अराउंड आ रहा है, 10,900 10,890 का लेवल जो बन के आ रहा है वहां तक तो निफ्टी आराम तक जा सकता है। अब हमें देखना है कि ये कल नीचे जाएगा या नहीं नीचे जाएगा। उसके लिए आप देख सकते हैं यहां पर आपने देखा होगा एक ग्रीन कैंडल बनी हुई है जो एक हैमर है, हैमर कैंडल बनी है। आपने देखा होगा एक अपमूव आ रही थी, एक हैमर कैंडल बनी है। हैमर कैंडल का मतलब ये होता है एक रिवर्सल, रिवर्सल आई है। तो हमने देखा था यहां पर एक इसने कंसोलिडेट करा था मार्केट में, आपने देखा होगा कि फ्राइडे के सेशन में वो एक कंसोलिडेट करा था और 5-10-15 पॉइंट ही ऊपर नीचे हुआ था। तो वो हमारे लिए एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी थी कि हम वहां से सेल करते तो हमें एक अच्छा खासा टारगेट अचीव हो जाता। तो गाइस आपने देखा होगा कि हमें एक टारगेट अचीव हो गया। अब एक हैमर बना है, उसके बाद दो रेड कैंडल्स हैं तो उसके बाद हम कह सकते हैं कि मिनिमम 3 रेड कैंडल्स तो डेवलप होती ही होती है अगर हम बात करते हैं एक हैमर बनता है तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो हमारा कल का टारगेट है वो हमारा कल का टारगेट हो सकता है कि 10,890 तक निफ्टी और जा सकता है। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि निफ्टी बियरिश में है या अब जो उसका बुलिश ट्रेंड था वो एक नेगेटिव ट्रेंड बन चुका है। तो गाइज मैं आपसे ऐसा कुछ नहीं कह रहा। अगर हम तीन ट्रेंड की बात करें जो है मेजर, इंटरमीडिएट और नियर टर्म ट्रेंड, मेजर टर्म ट्रेंड होता है वो होता है हम वीकली चार्ट्स में देखते हैं। अगर हम आपको वीकली चार्ट्स में लेकर चलते हैं तो आपको और क्लियरली पता लग जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन था, हायर टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशन हो रहा था। उसके बाद आप देख सकते हैं कि वीकली में जो हमारा ट्रेंड है वो बिल्कुल बुलिश है, हमारा जो टॉप है उस टॉप को हमेशा काट रहा है। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा टॉप है वो अभी मेजर टर्म जो निफ्टी का है वो बुलिश है, इंटरमीडिएट ट्रेंड जो है वो भी बुलिश है, पर जो नियर टर्म ट्रेंड है वो हमें बेयरिश देख रहा है। अब हमें नियर टर्म ट्रेंड कैसे देखना है वो हमें देखना है आली चार्ट्स के अंदर। तो गाइस आली चार्ट्स में आप देख सकते हैं इसने लोअर टॉप लोअर बॉटम बनाया और हमने बॉटम को तोड़ दिया। तो गाइस अभी ये एक मल्टीपल सपोर्ट बन के आ रहा है जिसका लेवल आ रहा है 10,340 का लेवल, 10,330 का लेवल। वहां से अगर ये निफ्टी कल मार्केट में गिरता है तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो टारगेट था वो हमारा टारगेट अचीव हो जाएगा आराम से
और यहाँ से हम अपना जो प्रॉफिट है वो बुक कर सकते हैं। और गाइस मैं आपको एक खास चीज और बता देता हूँ कि आपको बहुत अच्छी कमाई करनी है अगर निफ्टी के अंदर, तो बेस्ट लेवल है। अगर निफ्टी गिर रही है तो आप शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी नहीं बनाइए। आपके लिए जो बेस्ट लेवल है वो हो सकता है 10,850, 10,800 का लेवल। अगर आपको बाय चांस निफ्टी 10,800 के पास आपको मिल जाता है, तो आपके पास जितने पैसे हैं उसके आधे पैसों की सारी कॉले उठा लीजिए 11,000 की, और आप वहां पर बैठ जाइए। गाइस एक मेजर सपोर्ट है 10,800 का। और अभी भी अगर हम बात करें तो मेजर मेजर ट्रेंड और इंटरमीडिएट ट्रेंड दोनों बुलिश हैं। तो हम कह सकते हैं कि एक या दो या एक हफ्ते के अंदर अंदर ही मार्केट एक ऊपर की तरफ जंप लेगी। और जो हम जैसे इन्वेस्टर्स हैं जो यहाँ पर शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी बना रहे हैं, और जैसी वो एक निफ्टी अपमूव देगी वैसी हम अपने लॉस बुक करके चले जाएंगे और वहां से एक अपमूव अच्छी खासी मिल जाएगी। तो गाइज मैं आपको अभी भी यही बता रहा हूँ, आप कॉशियसली निफ्टी और बैंक निफ्टी को शॉर्ट करिए। पर जो मैं आपको टारगेट बता रहा हूँ, जो हमें टारगेट एक्सपेक्ट हो सकता है 10,800 के आसपास भी अगर हमें मिलता है, तो वहां से सीधा आप जाके अपनी कॉले उठाइए और वहां बैठ जाइए। इस हफ्ते के अंदर जो ये हफ्ता सीरीज स्टार्ट हुई है, वीकली जो ये वीक स्टार्ट हुआ है, इस वीक के अंदर आपको थोड़ा कॉशियस रहना पड़ेगा। मार्केट थोड़ा ऊपर जाएगी, थोड़ा नीचे जाएगी, पर हमें तब ट्रेड नहीं लेना, तब हमें थोड़ा कॉशियस रहना होगा। गाइस अगले हफ्ते हमें कोई भी पोजीशंस निफ्टी बैंक निफ्टी के अंदर होल्ड नहीं करनी है। अगले हफ्ते तक तो मैं आपको बहुत सी चीजें, नए पैटर्न्स भी डेवलप हो जाएंगे, मैं आपके साथ शेयर करते रहूंगा। तब मैं आपको बताऊंगा कि आपको कॉले उठानी है और आप अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न करके चले जाएंगे। तो गाइज ये जो मैंने आपको सिर्फ दो चीजें बताई, एक पैटर्न और एक ट्रेंड लाइन, उसके बेसिस में हमें पता चल गया था कि कहाँ तक मार्केट गिर सकती है और क्या हमारा टारगेट बन के आ रहा है। अब मैं आपको investing.com में लेकर जाता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे आपको शो कर रहा होगा ब्रेंट ऑयल आप देख सकते हैं कि 4% तक गिर चुका है। अभी जो मूवमेंट हमें देखने को मिल रही है जब मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ 8:30 बजे के करीब, तो ये 4% गिर चुका है। तो गाइज आपने देखा था कि एक निफ्टी में अपमूव आई थी जिस पर उसने 100 रुपए तक की मूव दे दी थी। वो रीजन यही था कि जो क्रूड ऑयल के प्राइसेस थे वो बहुत तेजी से गिर गए थे, ब्रेंट ऑयल बहुत तेजी से गिर गया था। तो हमने ये देखा था कि अच्छी खासी अपमूव आई थी। तो गाइज हम देख पा रहे हैं कि आज मार्केट में एक थोड़ी सी डिप मिली है हमें। वो डिप अगर हम बाय करने के लिए करते हैं तो शायद हमें मार्केट कल ऊपर भी लेकर जा सकती है या नीचे भी लेकर जा सकती है। चार्ट्स के बेसिस में तो हमें लग रहा है कि मार्केट 10,900 तक जा सकती है, पर आज उसने जो अपना लो बनाया 10,925 का, हम कह सकते हैं कि वो लेवल आसपास ही था, वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। दूसरी चीज जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, ये ब्रेंट ऑयल जो 4% तक गिर चुका है, अगर मैं आपको यूएस का WTI क्रूड ऑयल भी दिखाऊंगा तो वो भी 4% तक गिर चुका है। तो क्या ये है जो हमारी कल मार्केट में हमें सपोर्ट कर सकता है, और ये सपोर्ट करेगा तो हम शायद थोड़ी अपमूव देख सकते हैं, या फिर हम एक कंसोलिडेशन जोन में ही चले जाएंगे, या हम कह सकते हैं कि 10-12-20 पॉइंट ऊपर नीचे होगा। पर इतनी करेक्शन हमें कल के मार्केट में नहीं लग रही है, जिस तरीके से हमें लग रहा है कि क्रूड ऑयल के प्राइसेस गिरे हैं, ये हमारी मार्केट के लिए एक बहुत अच्छी बात है। एक दूसरी नेगेटिव न्यूज जो मार्केट के अंदर आई थी जिसकी वजह से हमारी मार्केट थोड़ी और नीचे गिर गई थी और 10,950 के लेवल को तोड़ दिया था, वो ये था कि WPI के जो रिजल्ट्स थे वो आ चुके थे WPI के, और उसमें इन्फ्लेशन जो था वो इंक्रीज हो गया था। गाइस जो प्रीवियस इन्फ्लेशन था मई में वो था 4.43, जो अब बढ़ के हो गया 5.75, यानी कि कुल 1% इंक्रीज हो चुका है, 1% चेंज हमें देखने को मिला है। तो उसकी वजह से भी हमारी मार्केट ने आज एक थोड़ा बहुत करेक्शन लिया था। तो हम कह सकते हैं कि मार्केट अभी आपको फूल बनाने की कोशिश करेगी इस पूरे वीक के अंदर, तो हमें कॉशियसली ट्रेड करना है पर्टिकुलर शेयर्स के अंदर जो इस निफ्टी की वजह से ऊपर नीचे होते रहते हैं गाइस। तो इसमें आपको कॉशियसली ट्रेड करना होगा, और ये जो मैं आपको चीजें बता रहा हूँ ज्यादातर आपको चीजें कोई नहीं बताता होगा। अगर आप मेरी इस वीडियोस को ही देखकर आप ट्रेड लेंगे तो आप अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। तो गाइस अब मैं आपके साथ एक अपनी ट्रेडिंग शीट शेयर करने वाला हूँ, उसको भी आप ध्यान से देखिएगा, उससे आप आराम से समझ जाएंगे मैं आपके साथ क्या शेयर करना चाह रहा था। तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने 10th of July 2018 लिखा हुआ है, तब मैंने वो शीट, यहाँ से मेरी स्टार्ट है। तो आप देख सकते हैं HCL टेक बाय फ्लैग पैटर्न ब्रेकआउट इन 5 मिनट्स एट 963, पीनेट ब्रेकआउट ऑन डेली चार्ट एट 957 एंड क्रॉस प्रीवियस टॉप। तो गाइस ये कुछ हार्मोनिक पैटर्न्स है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ये पैटर्न्स हमारे चार्ट्स में डेवलप हुए थे, तो यहाँ से हमने अपनी बाइंग अपॉर्चुनिटी बनाई थी। तो ये एक पैटर्न था जो आप 10th of July को अगर आप देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि आपको पता लग जाएगा कि ये मैंने जो ऑब्जर्वेशन करी है वो सही करी है या गलत करी है। दूसरा जो हमारा बना था वो बना था MGL,
MGL हमने बाय करा था अबव 836 ब्रेक 50 MA विद हाई वॉल्यूम्स। सो गाइज ये 50 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर निकला था गुड वॉल्यूम्स के साथ, MACD में क्रॉसओवर हुआ था बुलिश, और जो इसका टारगेट आ रहा था वो अराउंड आ रहा था 870 का टारगेट, इफ क्लोज बिलो 840, क्योंकि 840 एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा था। अगर इसके ऊपर ही क्लोजिंग देता एक दो दिन तक ट्रेड करता तो जो हमारा टारगेट आ रहा था वो 870 आ रहा था। थर्ड RBL बैंक, RBL बैंक आज हमने अपने क्लाइंट्स को भी सजेस्ट करा था शॉर्ट करने के लिए, क्योंकि इसमें एक कंप्लीट बटरफ्लाई पैटर्न डेवलप हुआ एट अराउंड 367 पे। सो गाइस हमने जो आज का उन्हें बाय सेल करने के लिए सलाह बोली थी वो हमने 367 पे ही आपको मैंने अपने क्लाइंट्स को शॉर्ट करने के लिए बोला था। अगर वो ये लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं और अगर उन्हें वो कॉल्स मिली होगी तो गाइस आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं, या मेरे जो व्यूअर्स देख रहे हैं वो भी कमेंट सेक्शन में आप उन्हें बता सकते हैं कि मैंने उन्हें किस टाइम बोला था आज शॉर्ट करने के लिए, कि जो हमारा था कि 367 पे ही मैंने उन्हें शॉर्ट करने के लिए बोला था, और वही हमारा टारगेट वही हमारा था कि उस टाइम से हमें अपना बटरफ्लाई पैटर्न तो था वो हमें कंप्लीट हो गया था। हमारा टारगेट जो था वो हमारा टारगेट था 340 का लेवल्स, पर इंट्राडे में हमें लग नहीं रहा था कि इतनी मूव आ जाएगी, पर आज हमने देखा कि 350 का लेवल जो हमारा पहला टारगेट था वो हमें अचीव हो गया, और वहां से अब हम जो कह सकते हैं कि 340 लेवल्स भी आम बात है RBL बैंक के लिए आने के लिए। तो गाइस आप देख सकते हैं अगर ये मुझे पैटर्न ही नहीं पता चलता तो मैं आज इंट्राडे में कोई मूव भी नहीं दे पाता या लोगों को स्टॉक सजेस्ट नहीं कर पाता। थर्ड सॉरी फोर्थ हम आते हैं सीमेंट। सीमेंट हमने बाय करने की सलाह दी थी क्योंकि जो लॉन्ग और शॉर्ट टर्म ट्रेंड लाइन थी वो ब्रेक हुई थी 1000 के लेवल पे। जो हमारा पहला टारगेट आ रहा था वो 1055 1150 आ रहा था, स्टॉप लॉस हमें 960 में टेक करना था। जो हमारा टारगेट और स्टॉप लॉस है वो भी हम ट्रेंड लाइन या पिवट पॉइंट्स के थ्रू ही हम बताते हैं, उसी की बेसिस में हम ऑब्जर्व करके आप लोगों को बताते हैं। गाइस यस बैंक हमने बाय करने की सलाह दी थी। अगर मैं आपको बताऊं तो मेरे जो ऑप्शंस के क्लाइंट्स हैं, जो मेरे ऑप्शंस प्रो लेते हैं, उन्हें मैंने यस बैंक की कॉल बाय करने के लिए कहा था अराउंड, आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा होगा कि क्रॉस प्रीवियस स्टॉप एट 365 367। तो गाइस यही लेवल था कि मैंने 370 जब क्रॉस हुआ, क्योंकि एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट रेजिस्टेंस बन जाता है 370 का लेवल जब क्रॉस हुआ था तब मैंने वहां पर लोगों को कॉल उठाने के लिए बोला था एट द मनी कॉल, यानी कि 370 की कॉल हमने उठाई थी। जो मेरे ऑप्शंस के जो क्लाइंट्स हैं उन्हें मैंने 9 रुपए में वो कॉल उठवाई थी, और अगले दिन उन्हें मैंने 21 रुपए में वो कॉल सेल करवाई थी। गाइस 1850 का लॉट था, कम से कम हमें एक दिन के अंदर 20,000 का प्रॉफिट हो गया था। तो गाइस अगर मुझे ये पैटर्न नहीं पता चलता, अगर मैं ये चार्ट्स को नहीं देखता तो गाइस मैं कैसे पता लगा पाता कि मुझे अपने क्लाइंट्स को क्या सजेस्ट करना है क्या सजेस्ट नहीं करना। थर्ड कर्नाटका बैंक बाउंस फ्रॉम प्रीवियस स्टॉक फ्लैग पैटर्न ब्रेकआउट एट 121 टारगेट दिस। हमने कर्नाटका बैंक की भी पुट कॉल बाय करने की सलाह दी थी, पर हमने देखा था कि कर्नाटका बैंक में एक नेगेटिव न्यूज आ गई थी उसी दिन जब मैंने कॉल प्रोवाइड कराई थी, उसके अगले दिन ही एक नेगेटिव न्यूज आ गई थी जिसकी वजह से हमने 12 रुपए की करेक्शन मूव आते हुए देखी थी कर्नाटका बैंक में, पर हमने उन्हें अगले दिन ही कर्नाटका बैंक से एग्जिट करवा दिया था। 20 पैसे का नुकसान था, तो 20 पैसे का नुकसान ज्यादा कुछ मायने नहीं लगता। थर्ड आती है डिश टीवी बाय एट 74। हमने देखा था कि 74 का लेवल इसने टेस्ट करा था, वहां से एक फिर से नीचे गिर गया था, तो ये अभी एक ब्रेकआउट नहीं हुआ था क्योंकि एक सिमेट्रिकल चैनल ब्रेकआउट के अंदर था, जो कि ब्रेकआउट इसका होना था 74 अबव के लेवल्स पे। और आप यहाँ देख सकते हैं मेरी वीडियो को पॉज करके अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आप आराम से देख लेंगे। मैं आपको रिसेंट दिखाता हूँ कि मैंने रिसेंट इसमें क्या सर्च करा था। बालकृष्ण इंडस्ट्रीज मैंने सेल करने की सलाह दी थी अपने गाइस को भी, अपने मेरे जो क्लाइंट्स हैं उन्हें भी सेल करने की सलाह दी थी। मैं आपको चार्ट्स में एक बार लेकर भी जाऊंगा, आपको इजीली पता लग जाएगा कि गाइस ये कैसे हो सकता है। अगर मुझे ये पता होता तो मैं कम से कम 100-150 पॉइंट इसके अंदर कमा लेता। मैं आपको इसमें अभी चार्ट्स में लेकर जाके दिखाऊंगा। हेड एंड शोल्डर का फॉर्मेशन हुआ था और जो इसका प्रीवियस शोल्डर था उसके टॉप से ये गिर गया था। ये हमारी सेल थी, हमें मैंने जहां से सेल अपने खुद के स्विंग ट्रेड से करी थी वो अराउंड था, और वहां से हमें जो टारगेट मिला था वो 100 पॉइंट का, हम 100 पॉइंट लेकर एग्जिट कर गए थे। L&T बाय करने की सलाह, बुलिश गाटले मैं आपके साथ 100 बार अपनी वीडियोस में आपको बता चुका हूँ कि बुलिश गाटले क्या होता है। ACC की अगर हम बात करें तो ट्रेंड लाइन की बेसिस में हमने आपको बताया था। टाटा मोटर्स की हमारी जो एनालिसिस थी वो फेल हो गई, हमने देखा था लॉन्ग टर्म सपोर्ट था 266, वहां से करेक्शन आया तो बहुत अच्छा खासा नीचे गिर चुका है। नेस्ले था, बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी मुझे मिली थी नेस्ले के अंदर,
एंड मुझे 1040 के लेवल्स पे मैंने उसे बाय करा था और 1250 के लेवल पे मैंने उसे सेल करा था, एग्जिट कर दी थी अपनी पोजीशन को, क्लोज करा था ट्रेंड लाइन सपोर्ट के ऊपर। बाइंग एन अपॉर्चुनिटी थी, वेरी गुड सपोर्ट था और ऑप्शन चेंज के अंदर एट द लेवल ऑफ 1000। पेज इंडस्ट्रीज की बात करें, जो मेरे प्रीमियम सर्विस क्लाइंट्स हैं मैं उनको ये कॉल्स प्रोवाइड कराता हूँ। पेज इंडस्ट्री जो हैवी प्राइस के अंदर होते हैं, कंप्लीट बटरफ्लाई पैटर्न बनाता है एट द 29,600, और जो इसका 31.8% जो एक फिबोनाची जब हम ड्रॉ करते हैं तो उसके बेसिस में एक रिट्रेसमेंट्स बन के आते हैं, वो लेवल था 28,100 लेवल। पर गाइस जिस तरीके से मार्केट में अब मूव देख रहे थे, हमें ये स्टॉक अब बाइंग अपॉर्चुनिटी में नहीं मिल रहा था, पर अब जिस तरीके से मार्केट एक करेक्शन ले रही है, थोड़ा सा डिप दे रही है, हम कह सकते हैं कि ये हमारे लिए इंट्राडे में बेस्ट मूव कर सकती है। गाइज वीगा वीकली चार्ट में 50 डेज को इसने ब्रेक करा है, 205 को क्रॉस या 200 को क्रॉस करता है तो वी गार्ड को सेल करिए। 175 के लेवल्स हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आप इंट्रा या पोजिशनली आप आराम से अर्न कर सकते हैं, क्योंकि इसमें एक बुलिश पैटर्न डेवलप हुआ है। अब मैं आपको एक खास चीज और दिखाना चाहता हूँ, डिवीज लैब बाय साइड हेड एंड शोल्डर फॉर्मेशन एट दिस HDFC इंडसइंड बैंक। ये सारे जो मैंने आपके साथ शेयर करे हैं सारे चीजें मैं आपको दिखा रहा हूँ, क्लाइंट्स को और जो आप मेरे व्यूअर्स हैं, मैं आप सब लोगों को दिखा रहा हूँ कि मैं ये पर्टिकुलर पैटर्न्स या ट्रेंड लाइन के बेसिस में ही आपको कॉलें देता हूँ। कुछ लोग हैं, कुछ ऐसा टाइम भी आता है कि जिस दिन मैं आप लोगों को कॉल्स प्रोवाइड नहीं कराता, क्योंकि मुझे ही अंदर से पता है कि मुझे कुछ ऐसे पैटर्न्स डेवलप होते हुए नहीं दिखे। अगर मैं आपको इंट्राडे में कोई ऐसी कॉल दे दूंगा वो रिवर्स हो जाएगी, तो खामा का लॉस आप लोगों का भी होगा और रेपुटेशन मेरी भी खराब होगी। तो गाइज जब तक हमें कोई पैटर्न नहीं मिलता तब तक मैं आपके साथ कुछ चीज शेयर नहीं करता। मैंने 10 जुलाई से लेकर 13 जुलाई तक इतने पैटर्न्स डेवलप कर लिए हैं और जो मेरे साथ स्विंग ट्रेड्स में बीते मैंने उनको भी एक बटरफ्लाई के लिए जो मैंने आपके लिए वीडियो बनाई हुई है, आपको पता होगा, मैंने आप मेरी वीडियोस में जा सकते हैं, मेरे जब चैनल में आप जाएंगे तो वहां पर मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, उसे जरूर देखिएगा गाइस, आपको मेरे पे अच्छा खासा भरोसा हो जाएगा। तो गाइस उसमें मैंने वीडियो बनाई थी कि सन फार्मा में बना है बटरफ्लाई पैटर्न, सन फार्मा में बटरफ्लाई पैटर्न बनाया था। जिस दिन मैंने वो वीडियो बनाई थी उस दिन वो अराउंड ट्रेड कर रहा था 600 एंड लेवल्स पे, और मैंने वहां से कहा था कि ये बटरफ्लाई पैटर्न डेवलप हो गया, यहां से आपको शॉर्ट करना है विद द लेवल ऑफ 500 540। तो गाइस अगर मैं आपको सन फार्मा की भी दिखाता हूँ तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सन फार्मा जो आज इसने मूवमेंट दिया है वो 530 तक दे चुका है। तो गाइज जो मैंने आपको 600 पर शॉर्ट करने के लिए बोला था, वो हमें जो टारगेट था 540 वो आज हमें अचीव हो गया है एक महीने के अंदर अंदर ही। तो गाइज ये पैटर्न्स हैं जो हमें बता देते हैं कि ये पैटर्न्स हमें कहां तक लेकर जा सकती है। अगर आपने वो वीडियो देखे शॉर्ट करा होता तो आप अच्छे खासे प्रॉफिट में ट्रेड कर रहे होते। तो गाइज इसी के साथ मैं वीडियो को एंड कर रहा हूँ, कोई और आपको इन्फॉर्मेशन मिले, कोई अच्छा पैटर्न आपको मिले चार्ट्स के अंदर तो मेरे साथ जरूर शेयर करिएगा, और मुझे कमेंट सेक्शन में हर एक बंदे का रिप्लाई चाहिए कि आपको ये वीडियोस कैसी लगी, और जो भी मेरे क्लाइंट्स से फॉलो करते हैं अगर उन्हें आज का ट्रेडिंग भी अच्छा लगा, जो मैं आपके साथ ये ट्रेडिंग शीट शेयर कर रहा हूँ जो मैं किसी के साथ नहीं करता, खासकर मैं अपने क्लाइंट्स के साथ भी शेयर नहीं कर रहा, आप सब लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ कि आप लोगों को पता हो कि ये दो चीजें अगर हम ट्रेंड लाइंस भी सीख ले, अगर हम पैटर्न्स देखना सीख ले तो हम पता लगा सकते हैं कि किस तरीके से हम मार्केट को कंट्रोल कर सकते हैं, या हमें पता लग सकता है कि कहां से हमें बाइंग और शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी इनिशिएट करनी है। तो गाइज ये मैंने आपके लिए वीडियो खास बनाई है, तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा, लाइक जरूर कर दीजिएगा मेरी वीडियो को कि मैं आपके लिए और ऐसी वीडियोस बनाते रहूं, और हर बंदे का मुझे कमेंट चाहिए ही चाहिए। तो गाइज प्लीज कमेंट करना शुरू कर दीजिएगा। गाइज मैं आपसे मिलता हूं कल एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, साइनिंग ऑफ।